तक की पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। दही, लस्सी, पनीर और शहद पर चुकानी होगी 5% की जीएसटी। अस्पताल से लेकर होटल तक महंगे हो गए हैं। अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5% जीएसटी देना होगा। बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर भी अब 18% जीएसटी लगेगी। जय गोदी मीडिया जय। आज कुछ गोदी मीडिया को एक्सपोज करने वाली है और वीडियो दमदार और मजेदार होने वाली है और आप देखकर जरूर कमेंट में राय देकर जाएं। मैं सरफराज, आप देख रहे हैं अली सहनौन। महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री महंगाई के मोह नहीं बोलने वाले, अब मोदी जी भी मोह नहीं बोल रहे हैं। जब आपका कोई नेता अच्छा बीजेपी चला जाता है तो आप कहते हैं कि जय मोदी जी, मशीन है उसमें उसकी सफाई हो गई, धुलाई हो गई। तो आपकी पार्टी में कितने गंदे कपड़े हैं कि जो वो 10 साल से जाए जा रहे हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में। सवाल से ये प्रतीत हो रहा है कि आप मान रहे हैं बीजेपी वॉशिंग मशीन है। पर्टिकुलर कम्युनिटी, देखिए पर्टिकुलर कम्युनिटी जो बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं वो ऐसे लोगों का नाम लीजिए। वो आपने देखा होगा संदेश खाली में जो है कौन सा पकड़ा गया। अच्छा सही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आलोचित भी किया हर मंच से। आलोचना से सिर्फ काम नहीं चलेगा, लेकिन वैसे वैसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए और फांसी पे लटका देना चाहिए वैसे लोगों को, और बंगाल पे में जो है राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात है कि महिलाओं के साथ अगर अन्याय होगा किसी भी कोने में, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुना आपने? ठीक है, नहीं सुना है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अमेठी में वोटिंग से ठीक पहले आप बताइए प्रज्वल रेवन्ना, सर्वे का सवाल था क्या अमेठी से कौन जीतेगा चुनाव। करीब 90% लोगों का मानना है कि अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा चुनाव जीत रहे हैं, तो वहीं मात्र 10% लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी को वोट किया। 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया। नारा है ना, नारे का क्या है मुंह, देखिए बोलने में जीएसटी लगता है। अगर 400 के दावे में सच्चाई होती तो आपको लगता है 75 साल की उम्र में सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री 400 पार का नारा है जो है दो दो मुख्यमंत्रियों को पकड़ करके जेल में डाल देते। सही बोले कन्हैया जी, सभी पार्टी के नेताओं को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करा लेते। बात तमिलनाडु, देखिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है बीजेपी या कांग्रेस। कौन तोड़ रहा है देश को, कौन देश को बांट रहा है वकार जी, बीजेपी या कांग्रेस? आपसे बेहतर किसको पता है? आप बीजेपी का नाम लेने से डर रहे, कांग्रेस का नाम लेने से डर रहे वकार जी? अभी बदला है भाई, अभी बदला है, तनख्वाह लेते हैं वो डरते हैं। तो फिर आपको पता है वो कर तोड़ेंगे, देखो लेने वाला का भी नाम नहीं ले रहा। तो फिर बोलिए ना आप किससे लड़ाई किससे, क्योंकि आप सबका दुश्मन एक है योगी जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हमारी लड़ाई है बीजेपी से, तनख्वाह लेने वालों से। अभी देखिए गोदी मीडिया का कैसे अभी असीम मुखर्जी अभी तोड़ने वाले हैं। कांग्रेस मुक्त भारत में सही मायने में देश के अंदर डिक्टेटरशिप नहीं होती ना, तो हमारे देश में सोशल मीडिया पर ये जो डिक्टेटरशिप वाला वीडियो है ना ये आया ही नहीं होता। हमारे देश के अंदर अगर सही मायने में डिक्टेटरशिप होती ना तो ये सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच कंटेल होती। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखो और मुझे बताओ कि ये गाड़ी टूटी हुई है या सही सलामत। कोई भी नॉर्मल इंसान कहेगा ऑब्वियसली भाई टूटी हुई गाड़ी है, लेकिन शेखर गुप्ता का लॉजिक अगर यहाँ इस्तेमाल किया जाए तो वो कहेंगे देखो गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, गाड़ी चल रही है, इसका मतलब गाड़ी सही सलामत है। सही बात बोले। मैंने कभी नहीं कहा था कि देश ऑलरेडी 100% डिक्टेटरशिप बन गया, मैंने कहा था देश डिक्टेटरशिप की ओर गिर रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मेरा मुंह बंद नहीं हुआ अभी तक, इसकी खुशी मना रहे, और उनका क्या जिनका मुंह बंद ऑलरेडी कराया जा चुका है। हमारे यहाँ भाई ये खतरनाक कर है। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है, उन्होंने बोला कि मैं गर्मी के मौसम में भी शिमला जैसा ठंडा कर दूंगा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बयान आ रहे हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए वो शिमला की ठंडक यहाँ ला पाए ना ला पाए वो अलग की बात है, लेकिन वो एक काम में बहुत माहिर है। मेरा मशवरा ये है कि वो शिमला का नाम उत्तर प्रदेश रख दे। तोड़ते हैं पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ, इस पर भी अच्छा अभी रुक जाए, आज ये सब जीएसटी के बाद
टैक्स फ्री हो गए। दही लस्सी पनीर और शहद पर चुकानी होगी 5% GST। अस्पताल से लेकर होटल तक महंगे हो गए हैं। अनाज मांस और मछली खरीदने पर 5% GST देना होगा। बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर भी अब 18% GST लगेगी। मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर अपना राय देते जाएं और गोदी मीडिया के लिए कुछ एक शब्द लिखते जाएं।